हेलो गाइस, तो रियलमी की 13 सीरीज आ चुकी है जिसमें लॉन्च हुआ है रियलमी का 13 प्रो, 13 प्रो प्लस। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है सुनील और आप लोग देख रहे हो टेक्निकल यूनिवर्स। तो दोस्तों, हाल ही में लॉन्च हुआ रियलमी का 13 प्रो, 13 प्रो प्लस, जिसमें हमारे पास अवेलेबल है अभी 13 प्रो। आज हम करने वाले हैं 13 प्रो का रिव्यू। तो रिव्यू करने से पहले हमें अनबॉक्सिंग करनी होगी, तो सबसे पहले करते हैं इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग। तो बॉक्स ओपन हो गया है और सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलता है। तो भाई, ये मिलता है हमें इसका कवर, फोन का सबसे टॉप में हमें यही मिलेगा इसका कवर देखने को। ये इसका कवर है और ये इसकी पिन है जो इसके अंदर लगी हुई है सिम कार्ड निकालने के लिए। उसके बाद अपना आता है यह फोन, जो ये स्मार्टफोन है Realme 13 Pro। और अभी इसके नीचे देखते हैं और क्या है। और इस बॉक्स में हमें देखने को मिलते हैं चार्जर और डाटा केबल। चार्जर है 45 वाट का फास्ट चार्जर है और सी टाइप डाटा केबल जो लगभग सभी फोन्स में सेम मिलती है। और अब तो आईफोन में भी सी टाइप डाटा केबल लगने लगी है। अभी इनको वापस रख देते हैं, इन सब चीजों को साइड में रख देते हैं और हमें जरूरत है सिर्फ इस फोन की। तो दोस्तों, फोन को देखने में बहुत ही प्रीमियम बनाया गया है, बिल्कुल स्लिम सेट है। और इसके जो कैमरे की फिनिशिंग है जो कि गोल्डन डिजाइन में है, ये बहुत ही प्रीमियम लुक दे रही है। और बाकी इसके अंदर हमें दो कलर ऑप्शन मिलते हैं, एक तो गोल्डन, एक ग्रे कलर मिलता है देखने को, जिसमें हमारे पास सिर्फ अभी ये गोल्डन कलर ही अवेलेबल है। तो बात कर लेते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की। तो हमें पावर बटन, वॉल्यूम बटन मिलता है और ऊपर की साइड माइक्रो क्लिनिक वॉइस और स्पीकर मिलता है। लेफ्ट साइड हमें कुछ नहीं मिलता और नीचे की साइड सिम कार्ड ट्रे, माइक्रोफोन, सी टाइप चार्जिंग पॉइंट और स्पीकर मिलता है। बात कर लेते हैं इस फोन के प्राइस की, क्या प्राइस में आप लोगों को ये फोन मिलने वाला है। तो 13 प्रो में हमें तीन ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें 8GB रैम और 128GB रोम में हमें ये मिलता है 27,000 रुपए का। और 8256 में मिलेगा हमें 29,000 का और 12512 में मिलेगा हमें ये 32,000 रुपए का। तो अभी अपने पास है 8256 जिसकी कीमत है 29,000 रुपए। फोन के नाम ऐसे रख दिए हैं 13 प्रो, जैसे कि आईफोन की सीरीज चल रही है। बात तो सही है मतलब सस्ते में ही आईफोन की फीलिंग ले रहे हैं लोग। तो बात कर लेते हैं इस फोन के डिस्प्ले की। तो हमें 6.7 इंच FHD प्लस कवर डिस्प्ले मिलती है इसके अंदर। की बैटरी की बात करें तो हमें 5200 mAh की इसकी बैटरी मिल जाती है, जो बहुत अच्छा बैटरी बैकअप देती है। और बात करें इसके कैमरे की, तो हमें 50+8+2 मेगापिक्सल का इसका कैमरा मिल जाता है। तो चलिए साथ में आपको इसकी कैमरा क्वालिटी भी टेस्ट करवा देते हैं, कैसी क्या पिक्चर निकालता है और कैसी ये वीडियोग्राफी करता है। तो 13 प्रो के साथ में लॉन्च हुआ 13 प्रो प्लस में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। थोड़ा बहुत अंतर तो मिलेगा ही, क्योंकि प्लस जो लग जाता है ना, तो वहां पे थोड़ा बहुत अंतर तो हमें जरूर देखने को मिलता है। कैमरा क्वालिटी में देख लो, बैटरी बैकअप में देख लो या फिर डिस्प्ले में देख। अगर आप लोगों को 13 प्रो प्लस की भी वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना, मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आऊंगा। अगर आपको रिव्यू वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नेक्स्ट वीडियो किस स्मार्टफोन पे चाहिए वो भी हमें कॉमेंट करके जरूर बता देना।